हेलो दोस्तों, यदि आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन से लेकर आ गए। अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिल स्टार्ट करते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जो भी हमने उठाए हुए हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर ईयर पूछे गए क्वेश्चंस को इंक्लूडेड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, स्लाइडर क्रैंक यंत्रावली में त्वरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि स्लाइडर क्रैंक यंत्रावली जो होती है इसमें आपको त्वरण ज्ञात करना है, करने हेतु आरेख खींचने की विधि का भी वर्णन करना है। तो दोस्तों आपको स्लाइडर यंत्रावली का जो है त्वरण ज्ञात करके उसमें आरेख भी खींचना। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन में फ्लाई व्हील विश्लेषण को अभिव्यक्त कीजिए तथा समझाइए। तो दोस्तों मशीन की फ्लाई व्हील विश्लेषण को आपको फिगर के साथ मेंशन करना है। ये पांच पांच नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन से पूछे जाने वाले। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्र विन्यास से संश्लेषण को अभिव्यक्त कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए उसके प्रयोग का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ये भी यंत्र विन्यास आपका बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यंत्र विन्यास क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, इसको समझाइए। तो दोस्तों या तो यंत्र विन्यास भी पूछ सकता है एग्जाम में आपको, या तो इसका इंग्लिश में नाम है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म भी पूछ सकता है आपसे कि मैकेनिज्म को समझाइए। हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर क्या है और गुरुत्वाकर्षण नियंत्रित गवर्नर की कार्यप्रणाली को समझाइए। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्थिर तथा गतिशील बल विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण सही समझाइए। तो दोस्तों इसमें क्या है आपको स्थिर तथा गतिशील बल विश्लेषण को आपको समझाना है उदाहरण सहित। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टनेल गवर्नर के प्रत्येक गोला का द्रव्यमान 1.4 किलोग्राम है और वेल के लीवर के गोलों की भुजाओं की लंबाई 100 मिलीमीटर है, जबकि स्लीव की ओर की भुजा की लंबाई 40 मिलीमीटर है। घूर्णन अक्ष से वेल क्रैंक, यहाँ वेल क्रैंक होगा दोस्तों, वेल क्रैंक लीवर के आलम की दूरी 80 मिलीमीटर है। गोले के घूर्णन का न्यूनतम तथा अधिकतम अर्धव्यास जो है क्रमशः 75 मिलीमीटर तथा 112.5 मिलीमीटर, अधिकतम साम्य गति जो है इसकी 300 आरपीएम है से 6% से अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि कमानी का कड़ापन तथा जब गोले की घूर्णन परिवहन त्रिज्या 90 mm हो तब साम्य गति क्या होगी। तो दोस्तों कड़ापन आपको कमानी की ज्ञात करना है और गोले की साम्य गति ज्ञात करना है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक घोड़ी द्रव्यमान को संतुलित करने का क्या आवश्यकता है, संदर्भ समतल से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप हमारे साथ इसको नोट्स करते हुए चलिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्थैतिक तथा गति संतुलक हेतु आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों स्थैतिक तथा गति संतुलन क्या होता है उसको आपको आवश्यक शर्तों के साथ उल्लेख करना। बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईर्ष्यावर्त अवध चार द्रव्यमान का एक समतल पर डब्ल्यू रेडियन पर सेकेंड के घूर्णन गति पर सिर्फ एक शून्य हो और उस पर कोई परिणामी बल आघूर्ण भी ना लगे, द्रव्यमान द्वारा इन द्रव्यमानों को संतुलित करने हेतु वैश्लेषिक तथा रेखाचित्र विधियों को समझाइए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन से एक दो आ जाएं। वैसे न्यूमेरिकल पिछली बार बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादातर उसने थ्योरी से ही क्वेश्चन उठाए थे। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन अनुगामी सहित एक स्पर्श कैम का रेखा चित्र बनाए तथा तो उसके विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। तो दोस्तों ये स्पर्श कैम जो होता है उसके विभिन्न अंगों को आपको नामांकित करना फिगर के साथ, ये भी पांच नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक मशीन में कैम अनुगामी के लिए चित्रमय तथा विश्लेषणात्मक पद्धतियों के बीच विभेद कीजिए। किसी एक प्रकार के कैम अनुगामी हेतु विश्लेषणात्मक पद्धति की व्याख्या कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के गियरों को सूचीबद्ध कीजिए, उनमें से किसी एक का स्वच्छ आरेख बनाइए तथा विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो दोस्तों, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आपके एग्जाम में किसी न किसी एक गियर को जरूर पूछेगा। तो दोस्तों, जितने प्रकार के गियर होते, चाहे वो स्पर गियर हो, चाहे हेलिकल गियर हो, इन गियरों को आपको पढ़कर जाना, और एग्जाम में 5 नंबर को जाने नहीं देना। आप उसको गेन कर ले, जिससे आपके एग्जाम में अच्छा नंबर उठेगा और आपको बहुत परसेंटेज अच्छा उठ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गियर माला में निष्क्रिय गियर के क्या कार्य हैं? साधारण गियर माला की अपेक्षा संयुक्त गियर माला के लाभों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, गियर ट्रेन जो होता है, इसी को गियर माला के नाम दे दिया। इसमें हिंदी में गियर ट्रेन क्या होता है, उसके निष्क्रिय गियर के क्या कार्य है, और साधारण गियर माला की अपेक्षा संयुक्त गियर माला के लाभों को उल्लेख करना है। तो दोस्तों, इनमें उसके लाभ को बताना है। जो हमारा संयुक्त गियर माला है, उसकी अपेक्षा साधारण गियर माला का क्या, जो है साधारण गियर माला की अपेक्षा संयुक्त गियर माला के लाभों में क्या क्या लाभ है, उससे ज्यादा उनको आपको ले करना। बात कर ले हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन किन कारणों से होता है? कंपन के कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, की कंपन किन कारणों से उपजता है आपकी मशीन में, और उसके कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं कंपन के। आप लोग इसको भी एग्जाम पे पढ़कर जाइए। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय ध्वनि तथा कंपन नियंत्रण पर विवरण दीजिए। तो दोस्तों, सक्रिय ध्वनि क्या होता है और कंपन नियंत्रण किस प्रकार हम कंपन को रोकेंगे, उस पर आपको विवरण करना है। बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन के संदर्भ में निम्नांकित को समझाइए। तो सबसे पहला इसका है, निरंतर प्रणाली कंपन क्या होती है, उसको आपको लिखना है। बात कर लेते हैं 2018 का जो क्वेश्चन पेपर हमारा कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भाग को करना है। तो दोस्तों, आपको केवल 3 क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे, जिसमें आपको केवल 2 ही को करना है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन, मशीनों में प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुद्ध गति युगल से आप क्या समझते हैं? इनमें इनमें किसी एक का विस्तृत व्याख्या चित्र की सहायता से कीजिए। तो दोस्तों, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन जो है कि शुद्ध गति युगल क्या होता है, उसको आप लोग समझाइए। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ चित्र की सहायता से एक स्लाइडर क्रैंक यंत्र की रचना कीजिए। स्वच्छ चित्र की सहायता से उसकी गति एवं त्वरण का रेखा चित्र कीजिए। तो दोस्तों, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन जो है। स्वच्छ चित्र की सहायता से आपको स्लाइडर क्रैंक यंत्र का क्या करना है, रचना करना है, तथा स्वच्छ चित्र की सहायता से उसकी गति और त्वरण के बीच रेखा चित्र भी बनाना है आपको। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म से क्या तात्पर्य है? स्वच्छ चित्र की सहायता से इसकी उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, सिंथेटिक ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, इसका जो स्वच्छ चित्र की सहायता से आपको दर्शाना है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों में फ्लाईव्हील विश्लेषण का क्या तात्पर्य है? स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए। तो दोस्तों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस बार हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आपका जो डेरिवेशन फ्लाईव्हील का आएगा, वो भी पढ़ के जाना, क्योंकि डेरिवेशन में एग्जाम में पूछ सकता है, जिससे आपको डेरिवेशन में यदि आपको आता है तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर की उपयोगिता लिखिए। हार्टनेल गवर्नर की कार्यप्रणाली की व्याख्या स्वच्छ चित्र की सहायता से करना। तो दोस्तों, गवर्नर की आपको इसमें क्या करना है, उपयोगिता लिखना है, और हार्टनेल गवर्नर जो होता है उसकी कार्यप्रणाली स्वच्छ चित्र के साथ लिखना है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन में जायरोस्कोपिक क्रिया से क्या तात्पर्य है? स्वच्छ चित्र की सहायता से इसकी उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, जायरोस्कोपिक जो आपका पिछली बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जायरोस्कोपिक क्या होता है, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जायरोस्कोपिक क्या होता है इसको समझाइए, या ऐसे पूछ सकता है कि जायरोस्कोपिक का उपयोग लिखिए। तो दोस्तों, ये 5 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जायरोस्कोपिक पिछली बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आप जरूर इसको पढ़कर जाइएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मशीन में प्रयोग में लाए जाने वाले कैम
की व्याख्या कीजिए, विभिन्न प्रकार के फल और यंत्र रचनाओं की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों कैम फॉलोअर्स से आपके एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे 5 नंबर के। कैम फॉलोअर कितने प्रकार के होते हैं उसका वर्गीकरण भी पूछ सकता है कि और पूछ सकता है कैम फॉलोअर के जो वर्गीकरण से उनमें जो कुछ भाग होते हैं उनको भी आपको डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन इंजनों में मल्टी सिलेंडर इंजन की बैलेंसिंग विधि क्या है, स्वच्छ चित्र की सहायता से इसकी उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों लाइन सिलेंडर इंजनों के मल्टी सिलेंडर इंजन जो होता है इसकी बैलेंसिंग विधि लिखना है और उसकी चित्र की सहायता से उपयोगिता भी लिखना है। लाइन डायग्राम आपका जो भी रहेगा, सिंगल सिलेंडर इंजन हो चाहे मल्टी सिलेंडर इंजन हो, इनको आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें भी 3 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे जिसमें दो दो के ही केवल उत्तर देने रहेंगे जो 5-5 मार्क के होने वाले। मशीन में शक्ति स्थानांतरण के मौलिक गियरिंग नियम की व्याख्या कीजिए। हेलिकल गियर स्वच्छ चित्र भी बनाइए। तो दोस्तों हेलिकल गियर जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि हेलिकल गियर क्या होता है और स्पर गियर क्या होता है, इन दोनों में से जरूर एक को आपको एग्जाम में जरूर पूछ सकता है कि हेलिकल गियर को समझाइए या गियर ट्रेन को समझाइए या आपका स्पर गियर को समझाइए। इन सभी क्वेश्चंस को आपको जरूर पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सब। अब बात कर लेते हैं ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर ट्रेन से क्या तात्पर्य है। स्वच्छ चित्र की सहायता से कंपाउंड गियर ट्रेन की उपयोगिता लिखिए। तो दोस्तों कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है उसकी उपयोगिता आपको लिखना, उसका डेरिवेशन भी आपको पढ़ के जाना ही जाना है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन डिजाइन में आइसोलेटर व कंपन शोषक से क्या तात्पर्य, उचित उदाहरण कीजिए। तो दोस्तों कंपन डिजाइन में आइसोलेटर व कंपन शोषक में क्या तात्पर्य है उसका उचित उदाहरण से व्याख्या करना। बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए, इनमें सभी को आपको लिखना है। तो सबसे पहला इसमें है कि ध्वनि नियंत्रण के साइलेंसर क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है। दूसरा जो हमारा है गियर्स की इनवैल्यूट प्रोफाइल क्या होती है उसमें लिखना है। नेक्स्ट जो हमारा जंप एवं क्रॉस ओवर स्ट्रोक क्या होता है उसको भी आपको एग्जाम में लिखना है। बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के क्वेश्चन पेपर से, उसकी बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कोई दो भाग करिए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो आएगा, विभिन्न प्रकार की यंत्रावली की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यंत्र विन्यास या यंत्रावली आपको पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पिछली बार का क्वेश्चन जो ये पूछा जाने वाला है कि 4 बार मैकेनिज्म की व्याख्या कीजिए, कि 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है उसकी व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के करीब करीब इनमें पूछ सकता है। यदि 2-3 भाग दे देता है तो 2-2 नंबर के जरूर आपके एग्जाम में इसके आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक और डायनेमिक फोर्स एनालिसिस की व्याख्या करें। तो दोस्तों स्टैटिक और डायनेमिक फोर्स क्या होता है उनके एनालिसिस की व्याख्या करना आपको। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का, निम्नलिखित में से केवल 2 ही भाग करने हैं इसमें से। सबसे पहला हमारा है कि जायरोस्कोपिक एक्शन की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों एग्जाम में जायरोस्कोपिक पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, कि BTUP ने पूछ लिया था कि जायरोस्कोपिक क्या होता है इसका उपयोग लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टर्निंग मूवमेंट डायग्राम की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों टर्निंग मूवमेंट डायग्राम से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस मैकेनिज्म की व्याख्या कीजिए। स्पेस मैकेनिज्म क्या होता है इसकी व्याख्या आपको करना। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कोई 2 भाग करने। तो दोस्तों इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 5-5 नंबर के 2 ही क्वेश्चन करने रहेंगे। तो सबसे पहला क्या है, ग्रेविटी कंट्रोल गवर्नर के कार्य सिद्धांत ऑफ वर्किंग की व्याख्या कीजिए। कि दोस्तों ग्रेविटी कन्वर्टर कंट्रोल गवर्नर क्या होता है इसके सिद्धांत लिखना और क्या लिखना है इसमें। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर की व्याख्या करें। स्टेबिलिटी क्या होती है और सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लैंचेस्टर बैलेंसिंग क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल की व्याख्या करें। तो दोस्तों इसमें लैंचेस्टर बैलेंसिंग की टेक्निक की व्याख्या आपको करना है। जो हमारे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, इनमें से भी आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। सबसे पहला अनबैलेंस के इफेक्ट की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों अनबैलेंस क्या होता है इसमें इफेक्ट, इसके क्या प्रभाव होंगे
आप इसकी थोड़ी सी अनबैलेंस की डिफिनेशन लिखें, उसके बाद इसके इफेक्ट को बताना, आपको पॉइंट वाइज लिखते हुए चला जाना, जिससे एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपको नंबर अच्छा मिलता है। बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन इंजन में मल्टी सिलेंडर इंजन की बैलेंसिंग की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों लाइन इंजन जो हमारा होता है उसमें मल्टी सिलेंडर इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन, इन सभी को एग्जाम में पूछ सकता है इनमें से किसी एक को। तो आप लोग इसको पढ़ के जरूर जाइएगा कि लाइन इंजन में मल्टी सिलेंडर इंजन क्या होता है, इसकी बैलेंसिंग की व्याख्या करना आपको फिगर के साथ। तो दोस्तों फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोवर मैकेनिज्म की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों फॉलोवर मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी व्याख्या आपको करना। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवल गियर और शार्ट नोट लिखिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपका जो बेबल गियर है उस पर शार्ट नोट लिखना है, और बेबल गियर को आपको पूरी तरह से ही पढ़ के जाना एग्जाम में, कि एग्जाम में बेबल गियर यदि पूछता भी है तो आप उसको अच्छी तरीके से लिख जाए, या शार्ट नोट पूछे या पूरा फुल पूछे, आपको लिख के आना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपके बैक लाग लगने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल गियर पर शार्ट नोट लिखे। तो दोस्तों आपको डिफरेंशियल गियर को फुल पढ़ के जाना है पूरी तरीके से, उस पर शार्ट नोट पूछे या कुछ भी पूछे, आपको लिख के आना है डिफरेंशियल गियर का उपयोग कहाँ होता है, इन सभी को आपको पढ़ के ही जाना एग्जाम में, जिससे आपको अच्छा नंबर मिल सके। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्रावली का वर्गीकरण कीजिए, समझाइए। तो दोस्तों यंत्रावली क्या होती है, उसको कितने भागों में बांटा गया, उसका वर्गीकरण आपको करना है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक चार्टर्ड लिंकेज ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 17.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 15 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 10 सेंटीमीटर, तथा जेड बी ए जेड बी ए डी बराबर 90। लिंक ए बी एक समान रूप से 2 RPM पर दक्षिणावर्ती परिक्रमण करती है, लिंक बी सी का कोणीय त्वरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि आपको लिंक बी सी का कोणीय त्वरण ज्ञात करना है, आपको न्यूमेरिकल पढ़ के ही जानना है थोड़े बहुत, क्योंकि न्यूमेरिकल यदि एग्जाम में आता है तो बहुत लोग क्या होते हैं उससे घबरा जाते हैं, उसको छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों न्यूमेरिकल से सबसे अच्छा नंबर आपको मिलने वाला रहता है, यदि आप सही करते हैं तो उसमें नंबर कटने के चांस नहीं रहते। और थ्योरी पेपर में आप कुछ भी लिख के आइए, एक दो नंबर काटना ही काटना है, चाहे 5 का पूरा करके आइए। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्रावलियों का विश्लेषण को समझाइए। तो दोस्तों यंत्रावली की विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, उसको समझाना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, एक मशीन पर गति बल विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाईव्हील विश्लेषण को समझाइए। तो दोस्तों फ्लाईव्हील विश्लेषण मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया कि फ्लाईव्हील विश्लेषण बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ के जानना है, इसका डेरिवेशन थ्योरी जो भी है उसको पढ़ के आपको जानना है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दूसरे में क्या करना है, किन्हीं दो प्रकार के गवर्नरों को समझाना है। जो दो गवर्नर जो होते हैं इनमें किन्हीं दो ही गवर्नर को आपको समझाना है, चाहे गवर्नर इस प्रकार से पूछ सकता है या जो गवर्नर होते हैं उनके नाम के हिसाब से पूछ सकता है, कि ये वाले गवर्नर को समझाइए आप। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ी पिंडों किस असंतुलन की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों घोड़ी सर जो पिंड होते हैं उसके असंतुलन की आपको क्या करना, विवेचना करना। तो अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंप फॉलोअर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आप समझाइए। तो दोस्तों कैंप फॉलोअर को आपको पढ़ के अच्छी तरीके से जाना है, एग्जाम में अच्छा नंबर आने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोअर के संचालन अनुसार कैंप का वर्गीकरण करें। तो दोस्तों कैंप क्या होता है, फॉलोअर इसका वर्गीकरण आपको करना। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो सबसे पहले इसमें हेलिकल गियर क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। जो नेक्स्ट हमारा है, कंपन अवशोषण का अभी कल्पना पर टिप्पणी दीजिए। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ के जाइए, और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरियों का कंपन का आप पर इस पर भी टिप्पणी देना। बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई दो भाग करिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें मशीन तथा यंत्रावली में अंतर बताइए उदाहरण सहित। तो दोस्तों मशीन क्या होती है और यंत्रावली क्या होती है, इसमें अंतर आपको बताना है जरूर, इसको पढ़ के जाइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार पर चार लिंक यंत्रावली के त्वरण आरेख कैसे प्राप्त किया जाता है, आपको इसको समझाना है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक हार्टनेल गवर्नर का सिद्धांत समझाए। तो दोस्तों ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, हार्टनेल गवर्नर का क्या सिद्धांत है, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई दो भाग कीजिए। तो सबसे पहला है विभिन्न प्रकार के कैमों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जो हमारे कैम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के जो भी आते हैं उनका आपको वर्गीकरण करना। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम के रोलर फॉलोअर के लिए सरल हार्मोनिक गति के लिए कैम प्रोफाइल की संरचना बताइए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आ सकते हैं एग्जाम में। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं उसको जरूर पढ़ के जाएगा, एग्जाम में जरूर आने वाला। आपने हमारी सारी वीडियो से हमें जज कर लिया होगा है कि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस कितने एग्जाम में आते हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।